जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमरीन खान हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो प्रोसेस फूड होते हैं जिनको हम कहते हैं कि प्रोसेस फूड है, ये प्रोसेस फूड क्या चीज़ है। और ये कहते हैं कि जो पके पकाए खाने होते हैं आप मत खाएं, क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, इसके अंदर विटामिन नहीं होते, इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो ये क्यों आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो वाई इट क्रिएट्स मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोसेस फूड है इसको हम कहते हैं कि ये रेडी टू ईट डिशेस होती है, फूड होता है, यानी कि फॉरन अवेलेबल है, आपने खरीदा पैक्ड फूड किसी भी फॉर्म में वो है, आपने खरीदा और आपने फॉरन खा लिया, ठीक है। आपको सिर्फ एक पैसों की जरूरत है कि आप पैसों जाके आपने खरीदा और वो खा लिया, आपको पकाने की जरूरत नहीं, आपको कोई चीज करने की कुछ जरूरत नहीं। अच्छा, ये जो प्रोसेस फूड है जो आपको अवेलेबल होते हैं, ये किन किन फॉर्म में है, किस तरह अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। प्रोसेस फूड्स में आ जाते हैं कि रेडीमेड मीट मिल जाता है आपको मुख्तलिफ फॉर्म्स में, सैंडविचेस हैं, ठीक है, बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं, चिप्स हैं, पॉपकॉर्न्स हैं, फिर और क्या आ जाते हैं, सॉसेस सॉसेस है, हर किस्म के सॉसेस, केचप्स हैं, फिर ये और क्या आते हैं, अच्छा ये जो पाइन एप्पल और ये जो एक्सक्यूज मी पाइन एप्पल, आपने टिन देखे होंगे पाइन एप्पल के, ये ऑलिव्स के आपने टिन देखे होंगे, उसमें ऑलिव्स पड़े होता है बॉटल्स में, शीशे की बॉटल्स में ज्यादा अवेलेबल है ऑलिव्स। तो उसमें आपने देखा होगा जो पानी होता है उसके अंदर सॉल्ट होता है, ठीक है, सॉल्ट के अंदर उसको प्रिजर्व किया हुआ होता है ऑलिव्स को, इसी तरह पाइन एप्पल को प्रिजर्व किया हुआ होता है। और जो फूड्स हमें अवेलेबल हैं वो कैंस में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही कम होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू या बिल्कुल होती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन प्रोसेस फूड्स के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू क्यों कम होती है और ये हमारी खुराक के लिए, हमारी सेहत के लिए क्यों नुकसानदेह, और इनके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो जिसकी वजह से वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। इसके अंदर नंबर 1 एक्सक्यूज मी, इसके अंदर जो चीजें होती है वो एक तो होता है कि प्रिजर्वेटिव्स उन्होंने डाले हुए होते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए होते हैं, वो तो चलो हमारी सेहत के लिए इतने नुकसानदेह नहीं है कि हम प्रिजर्वेटिव्स खाएं, ठीक है, वो इतना फर्क नहीं पड़ता हमारी बॉडी को प्रिजर्वेटिव से। लेकिन उसके अंदर नंबर 2 नंबर पे है सॉल्ट, नंबर 3 पे है शुगर पड़ी हुई होती है उसमें, और नंबर 4 पे है सोडियम, ठीक है, सोडियम उसके अंदर सॉल्ट के अंदर, क्योंकि सोडियम होता है, सोडियम भी हमें मिल जाता है और फैट होती है उसके अंदर, फैट अवेलेबल होती है, यानी कि 5 चीजें हो गई प्रोसेस फूड के अंदर, फैट होती है, फैट इस फॉर्म में होती है कि जैसे क्रीम डाली हुई है चीजों में, मक्खन डाला हुआ है, बटर डाला हुआ है, चीज डाली हुई है, ऑयल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें फैट में आ जाती हैं जो आपको मोटा करती हैं। तो इसी तरह जो प्रोसेस फूड्स होते हैं उनको खाने से इंसान मोटा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो इससे क्या क्या चीजें जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है, ओबेसिटी हो जाती है, इंसान मोटा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि इसमें शुगर मौजूद होती है मुख्तलिफ प्रोसेस फूड्स में। अच्छा, ये जो चीजें मैंने आपको बता दी, पॉपकॉर्न्स हैं, चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, ठीक है ना, सॉसेस हैं, पाइन एप्पल्स और डिफरेंट किस्म के फूड्स आपको अवेलेबल हैं, प्रोसेस फूड जो कि उन्होंने स्टोर किए हुए, सब्जियां भी आपको मिलेंगी पैकेट्स की फॉर्म में, सब्जियां होती हैं पैकेट्स की फॉर्म में, फल अवेलेबल है जो कि टिन में बने हुए होते हैं, हर तरीके का चीज स्टोर हुई भी चीज अवेलेबल है, स्टोर हुए हुए फल, स्टोर हुए भी कोई भी चीज आप खरीदेंगे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही कम होगी, ठीक है ना, खाने को तो आपको मिल जाएगा, रेडी टू ईट होता है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, आपको विटामिन्स नहीं मिलेंगे उसके अंदर, प्रोटीन नहीं होगी, विटामिन्स नहीं होंगे। अच्छा, ये जो सोडियम है जो इसके अंदर 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं प्रोसेस फूड्स के अंदर, 5 चीजें कौन कौन सी थी, पहले नंबर था प्रिजर्वेटिव्स, दूसरे पे था शुगर, ठीक है, शुगर यानी कि उससे डायबिटीज हो जाएगी,
सॉल्ट है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट के अंदर क्या चीज है? सोडियम है और क्लोराइड है। अच्छा ये जो सोडियम है और ये जो क्लोराइड है, ठीक है, इस पे आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर आ जाते हैं सोडियम क्लोराइड होगा और सोडियम नमक में आ जाता है सोडियम क्लोराइड। और पांचवें नंबर पे था, पांचवें नंबर पे क्या था, देखो मैं, फैट, यस, और इसके अंदर फैट होती है, इन चीजों के अंदर फैट होती है। पांच मैंने आपको चीजें बताई। अच्छा ये जो चीजें आप देखें, आपने चिप्स के पैकेट खाते हैं आप, चिप्स पैकेट्स में अवेलेबल है, पॉपकॉर्न पैकेट्स में अवेलेबल है, ये जब आप खाते हैं आपने नोट किया होगा चिप्स खास तौर पर या पॉपकॉर्न खाने से और मुख्तलिफ किस्म के चिप्स और ये दूसरी किस्म की आलू की बनी हुई चीजें अवेलेबल हैं पैकेट्स में, मुख्तलिफ किस्म के पैकेट्स बने हुए हैं, ये अवेलेबल होते हैं। फिर इसी तरह केचप है, सॉसेज हैं, मुख्तलिफ किस्म के सॉसेज हैं और सैलड ड्रेसिंग्स अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें खा के आपने नोट किया होगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, थोड़े से आपकी ना फैटनिंग हो जाएगी, आपको एक दो दिन के बाद आप फील करेंगे कि आपका फेस भी मोटा हो गया और आप थोड़े से मोटे हो गए और आपको ना गले में और उसमें थोड़ा सा ऑयली फील होगा और आप मोटे हो जाएंगे, गला थोड़ा सा आपका ना खराब होना शुरू हो जाएगा, खांसी आनी शुरू हो जाएगी और गला लगेगा कि जैसे कट सा गया गला, ठीक है। ये सब चीजें क्या क्रिए क्या है इसके अंदर, इन्हीं चीजों की वजह से ये हमारे हमारे गले को भी काट देती हैं, हमें मोटा भी कर देती हैं और बड़ा कुछ इससे आपकी सेहत पे इफेक्ट होता है, ठीक है। स्किन भी खराब हो जाती है इन चीजों से, ये चीजें खाने से। चिप्स तो कहते हैं कि उन लोगों को खिलाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर, जैसे कमजोर बच्चे हैं नहीं खाते कुछ, तो उनको चिप्स पकड़ा दिए कि चलो तुम चिप्स खा लोगे, कमजोर एक बच्चा है उसको आप चिप्स खिलाएं, बहुत कमजोर है उसको, बच्चे को आप चिप्स खिलाएं, किसी कमजोर कोई और लड़की है लड़का है जवानी में भी कमजोर है तो उनको आप कभी कभी चिप्स दे देंगे, हाँ तुम चिप्स के पैकेट खरीद के खा लो या घर में चिप्स बना के खा लिए। वैसे आप आलू चिप्स के पैकेट को अवॉइड करें, और भी जो अवेलेबल है मार्केट्स में आलू की बनी हुई दूसरी बनी हुई चीजें उनको अवॉइड करें, कोशिश करें घर में चीजें बनाएं। अच्छा ये जो सोडियम है, सॉल्ट है, सोडियम है, ये मैं आपको बताऊं कि ये सोडियम नमक जो है वो उसका क्या फॉर्मूला होता है, NaNaCl, ठीक है ना। ये मैं स्क्रीन आपको, मैं आपको इधर से, मैंने एक डाउनलोड किया हुआ है, ये देखिए, ये देखें, अब ये लिखा हुआ है कि 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट जो है ना, जो कि आम टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, वो बराबर होता है 2300 mg ऑफ सोडियम। उसके अंदर कितना सोडियम अवेलेबल है, 2300 mg एक आम सॉल्ट में, जबकि पिंक सॉल्ट जो कि हम हिमालयन सॉल्ट भी जिसे बोलते हैं, उसके अंदर होता है 1680 mg ऑफ सोडियम, ठीक है। मेरा गला जो है आजकल अच्छा कुछ ठीक नहीं है। ये जो पिंक सॉल्ट है इसके अंदर सोडियम, पिंक सॉल्ट को रिकमेंड किया जाता है जिसको हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, ये अवेलेबल होता है मार्केट में, आप पता करें हिमालयन सॉल्ट के नाम से या पिंक सॉल्ट के नाम से पैकेट्स अवेलेबल हैं, वो आप खरीदें। उसके अंदर सोडियम की मिकदार जो है वो कम होती है, 1680 mg होती है, जबकि जो आम टेबल सॉल्ट होता है उसके अंदर 320 300 mg ऑफ सोडियम होता है। अच्छा ये जो सोडियम है, पहले हम क्लोरीन पर बाद में डिस्कस करेंगे, जो सोडियम है ये क्या चीज है, ठीक है ना। सोडियम जो है वो ये कहाँ से आता है, ये हमारे यूं कहें कि हमारी हमारी जो है वो, इसको मैं बंद करती हूँ।
सोडियम जो है ना वो हमारे बॉडी खुराक में कैसे आता है? सोडियम सोडियम हमारे खुराक में जो है वो नमक से ही जाहिर हासिल होगा। प्रोसेस फूड में नमक डालेंगे तो सोडियम आएगा ना प्रोसेस फूड के अंदर। तो ये जो सोडियम है इसका फॉर्मूला होता है Na, ठीक है, Na, बड़ा वाला N और छोटा ए, स्मॉल ए, Na, ठीक है, Na इसका फॉर्मूला सिंबल होता है सोडियम का। तो अब ये जो सोडियम है ये नमक के आया क्योंकि नमक का फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड से मिलकर नमक बनता है, ठीक है। अब ये जो सोडियम है ये हमारी बॉडी के लिए ज्यादा नुकसानदेह है एज कम्पेयर टू क्लोराइड। और सोडियम ये ब्लड प्रेशर हाई करता है क्लोराइड की नस्बत। ये जो क्लोराइड है ये हमारे खाने के टेस्ट को सॉल्टी टेस्ट देता है क्लोराइड, जबकि सोडियम इतना सॉल्टी नहीं होता है एज कम्पेयर टू क्लोराइड। क्लोराइड की वजह से खाना सॉल्टी होता है, इसीलिए खाने को सॉल्टी बनाने के लिए उसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक ऐड किया जाता है, तो वो सोडियम भी ज्यादा चला जाता है और क्लोराइड भी चला जाता है। जाहिर है नमक ऐड करना तो सोडियम भी जाएगा और क्लोराइड भी जाएगा। तो सोडियम की मिकदार जब ज्यादा हो जाती है उसके लिए कहा जाता है कि नमक डालें ही ना आप खाने में, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं क्योंकि सोडियम जाएगा क्लोराइड को डालने के लिए सोडियम भी पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो जब सोडियम ज्यादा जाएगा क्लोराइड की वजह से तो सोडियम जो है वो नुकसानदेह है हमारी बॉडी के लिए। उससे क्या होता है ब्लड प्रेशर हाई करता है सोडियम, और जब ब्लड क्योंकि सोडियम जो है ना वो कैसे ब्लड प्रेशर को हाई करता है, सोडियम जो है ना वो पानी को रिटेन करता है बॉडी में, ठीक है। पानी को रिटेन का मतलब है कि पानी को ना जमा करता है बॉडी के अंदर। अब फर्स्ट सपोज देखें एक मग में, जैसे यही मग है, सपोज ये मग है, इसके अंदर इतना जो है ना समझ लें कि यहां से लेके यहाँ तक ब्लड है, ठीक है ना, समझ लें कि एक ये वेन है, ये एक ब्लड वेसल है, एक आर्टरी है, उसके अंदर इतना खून है। अब मैं जब इसके अंदर पानी डालूंगी तो वो इतना मैंने पानी डाला तो वो यहाँ से इतना खून था, पानी डाला तो वो इतना पानी डाला तो वो इतना बढ़ गया, ठीक है ना। अब पानी भी है इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक पानी भी है, खून भी है इसके अंदर। अब जब ये ट्रेवल करेगा आर्टरी, ये पूरी आर्टरी है, अब जब ये ट्रेवल करके ब्लड की तरफ जा रहा है, ठीक है, ब्लड इसको पंप कर रहा है खून को, तो इसके अंदर खून भी है पानी भी है, प्रेशर पड़ रहा है, खून का जो वॉल्यूम है उसका जो हुजम है वो बढ़ गया पानी की वजह से। जाहिर है पहले हुजम इतना था, अब हुजम जो है वो इतना हो गया, यानी कि उसका वॉल्यूम इतना हो गया, पानी ने उसको इतना बढ़ा दिया है। पानी और डालेंगे और नमक और खाया और पानी और हो गया, पानी रिटेन हो गया और नमक खाया, इधर तक पहुंच गया, अब इतना भरा हुआ है, खून इतना बेचारा सा था, नमक पानी उसके अंदर इतना आ गया, अब खून इतना पानी इतना इतना भर के जब ये आर्टरी है पूरी, ये आर्टरी से जब ब्लड चलेगा और ये हार्ट इसको पंप करेगा तो आप सोचिए कि प्रेशर कितना ज्यादा हार्ट के ऊपर पड़ेगा, इतने ज्यादा वॉल्यूम वाले खून को पंप करना जिसके अंदर पानी भी शामिल हो, पानी किसी तरह बॉडी के अंदर से निकल नहीं रहा है, निकलने की वजह बॉडी की ये है कि उसके अंदर नमक ज्यादा है बॉडी के अंदर। जब तक आप नमक खाना कम नहीं करेंगे इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है इसके अंदर निकलेगा नहीं, इसलिए नमक को खाना कम करें ताकि इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक जो पानी था वो कम हो जाए, नमक को खत्म कर दें। पानी कैसे खत्म होगा, यूरिन के जरिए निकल जाएगा बाहर, कुछ एवेपोरेट हो जाएगा आपकी स्किन से, वरना वो यूरिन ज्यादा सारा का पानी यूरिन से बाहर निकल जाएगा, आपकी बॉडी में रिटेन नहीं होगा अगर आप नमक नहीं खाएंगे। चीनी जो है वो उससे ज्यादा रिटेन करती है पानी को, नमक से ज्यादा रिटेन करती है पानी, इसलिए आपने देखा होगा चीनी खाने वाले लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं एज कम्पेयर टू नमक ज्यादा खाने वाले लोग, उनको डायबिटीज हो जाती है, इनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। अच्छा अब और क्या था, ये तो मैंने आपको बताया इसका सोडियम का कि ये कैसे रिटेन करती है। अच्छा क्या क्या चीजें हमें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए ताकि ये सोडियम ही हमें ना मिले, सोडियम से हमारी जान छूटे, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए सोडियम से हमारी जान छूट जाए? वो चीजें ये है कि खाना खुद बनाए, नमक कम डालें। मैं जब भी कोई चीज बनाती हूँ उसमें मसाले इतने कम होते हैं, खास तौर पर मसाले तो थोड़े बहुत मैं डाल देती हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ, काली मिर्च डालती हूँ, लेकिन मैं नमक जानबूझ के कम डालती हूँ, जानबूझ के मैं कम डालती हूँ नमक। और ऊपर से अगर किसी ने डालना है या मैंने खुद डालना है तो मैं डाल देती हूँ,
तो वरना मैं खाने में नमक बिल्कुल बहुत ही कम डालती हूँ। तो नमक आप खुद खाना बनाए, नमक खुद डालें, कुक से बनवाना है उसको कहें कि नमक तुमने बहुत, उसको खुद प्लेट में निकाल के दे दे, ये दो लो ये नमक है, बस यही तुमने डालना है, यही हम लोग खाते हैं, इस तरह इस टेस्ट का खाना, इस तरह का सॉल्टी होना चाहिए, वो उसका नमक दें। अच्छा, कभी कुक के हाथ में सारे मसाले मत पकड़ाएं कि वो अपनी मर्जी से मसाले डालना शुरू करते हैं, आपका तो फिर हाशर हशर बुरा हो जाएगा। क्योंकि जितने पाकिस्तान में और जो साउथ एशियन कंट्रीज के जितने कुक हैं जो खाना बनाते हैं, खासतौर पर मैं कुक की बात कर रही हूँ, वो नमक इतना ज्यादा आपको खिलाएंगे, इतना ज्यादा ऑयल और नमक, और उसके बाद ये मसाले, गरम मसाले आपको और दूसरे मसाले बहुत खिलाएंगे, हरी मिर्चें आपको नहीं खिलाएंगे। ये लोग हरी मिर्चें डालने में थोड़ा सा कंजूसी करते हैं जो कुक होते हैं। इसे कुक को आप नोट करिएगा, हर दुनिया, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज के जो कुक है, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मैं पाकिस्तान के कुक्स की बात करूंगी कि ये जो कुक्स हैं हरी मिर्चें अवॉइड करते हैं खाने में डालने में, इनको शायद मुश्किल होती है हरी मिर्च को काट के डालना, जल्दी होती है इनको खाना बनाने की, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, कहते हैं चलो जी हम लाल मिर्चें डालें, नमक फटाफट ज्यादा डालते हैं, ऑयल ज्यादा डालते हैं और पका पकू के रख देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के खाने, कुक्स के खाने, बाजार के खाने आप अवॉइड करें, आप खुद अपना खाना बनाएं, उसमें आप खुद कम नमक डालें, कम ऑयल डालें, कम मसाले डालें, हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा करें। अच्छा, और मैंने आपको क्या बताना था, एक ये है बात कि, और कैंड अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके ऊपर लिखा हुआ हो लो सोडियम या नो सॉल्ट एडेड, लिखा हुआ हो उस डब्बे के ऊपर, उस कैन के ऊपर, लो सोडियम या नॉट नो सॉल्ट एडेड लिखा हो, तो वो आप प्रेफर करें कैन, वरना कैन वाले चीजें मत खरीदें, खुद ही जाके रॉ सब्जियां खरीदें, कच्चे जो ताजा फल होते हैं वो आप खरीद के लाएं, पाइनएप्पल भी कोशिश करें खुद खरीद लें, ढूंढ लें कहीं से पाइनएप्पल, बजाय पाइनएप्पल का टिन ढूंढते फिरे और पाइनएप्पल का टिन खा जाए, पाइनएप्पल का टिन में पाइनएप्पल खाने का कोई फायदा नहीं, इसमें पाइनएप्पल नहीं आप खा रहे, आप कोई और चीज खा रहे हैं, इट्स नॉट ए पाइनएप्पल। इसी तरह जो पैक्ड मिल्क आपको मिलता है, मुख्य किस्म के मिल्क कंपनीज बना रही हैं पैकेट के अंदर, क्या आप समझते हैं कि ये दूध है, क्या आपको एक एक सही फ्रेश दूध मिल रहा है, क्या आप ये समझते हैं कि ये दूध है, नहीं है, इट्स नॉट ए दूध, इट्स नॉट ए मिल्क, ये कोई और चीज है। और आजकल कोई ऐसा भी सोल्यूशन, ऐसे भी मटेरियल केमिकल्स बन गए हैं कि दो तीन केमिकल आप उसमें डालें तो दूध तैयार हो जाता है, और बड़ा जबरदस्त क्रीमी और बड़ा गाढ़ा किस्म का दूध होता है, वो पैकेट में मिल जाता है और लोग खाना शुरू कर देते हैं पैकेट के दूधों को। मुझे ऐसा भी पता चला है कि भैंस या गाय के दूध को इस्तेमाल करने के बजाय कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने गधे का, और मतलब जो गधी का जो दूध होता है वो भी उन्होंने निकाल निकाल के और अपने पैकेट्स बना के उन्होंने बेचा है, गधे के दूध को, और मतलब गधी का दूध, और भी जानवर दूध देते हैं, मतलब फिर और भी जानवरों के दूध, बकरी का दूध आ जाता है, ऊंट का भी दूध होता होगा, ठीक है ना। तो इस तरह जितने भी जानवर उनके दूध भी निकाल निकाल के ये लोग हमें पिलाते हैं पैकेटों के अंदर दूध, तो पैकेटों के दूध को आप ना करें कि ये कोई आप सही किस्म का दूध पी रहे हैं, ये दूध नहीं है, ये कोई और चीज है, ठीक है। अगर आपने पैकेट का दूध खरीदना ही है तो उस पैकेट के दूध को आप चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करें, उस पैकेट के दूध को आप चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन बच्चों को जो आपने पिलाना है या आपने खुद जो दूध पीना है कैल्शियम हासिल करने के लिए, वो आप तो दूध वाले का दूध लें, क्योंकि भैंस का दूध देता है, तो अच्छा दूध वाला पता करें जो कि अच्छा भैंस का दूध दे, उससे आप दूध खरीदें, उसको कहें कि तो उसमें पानी नहीं मिलाना, इस दूध के अंदर स्मेल नहीं आनी चाहिए, जो कि भैंस की एक स्मेल होती है दूध के अंदर आ रही होती है, वो दूध के अंदर ना आए, और उसको कहें कि हमें गाढ़ा दूध दो, ज्यादा पतला दूध मत दो। इस तरह की आपने बात अपने दूध वाले से करनी है, उसका जाके भी देखें वो कहाँ पे उसका दूध, कहाँ पे उसकी भैंसे हैं, जहाँ पे लोग अपनी भैंसों को रखते हैं, किस तरह उनकी टेक केयर करते हैं, किस तरह दूध निकालते हैं, एक दो दफा जाके वो तो देख लें, मेहनत करने देंगे, मेहनत करने से आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपने उससे दूध खरीदना है तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने खुद, हम लोग खुद, मैं खुद दूध वाले से दूध लेती हूँ, और मैं हफ्ते में कोई दो बार, मैं दो कभी 2 किलो कभी 3 किलो लग शुक्र लेती हूँ,
और दूध वाला जहां भी कोई ऐसा दूध मुझे अगर मुझे स्मेल आने लगे, मैं फौरन दूध वाले को कहती हूँ कि आज दूध में स्मेल है, या अभी जो मैंने दूध लिया था उसमें मैंने उबाला, स्मेल आ रही थी, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, ना मैं दूध लेना खत्म कर दूंगी या मैं तुम्हारे पैसे काटूंगी, इस तरह की बातें मैं उसको धमकियां लगाती हूँ। तो आप भी दूध वाले को थोड़ी सी धमकियां भी लगाएं और उसको पैसों का भी ला कहें कि पैसे कटेंगे या मैं खत्म कर दूंगी तुमसे दूध लेना, दूध की थोड़ी सी बुराई भी करें, ठीक है ना। तो इस तरह पे दूसरा इंसान अलर्ट हो जाता है, वो कहता है अच्छा चलो जी हमारा दूध तो खराब है, फिर वो उसको ठीक करने का, दूध को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक और बात बचा, ये मिर्ची मिर्ची इस्तेमाल करने के खाने के, आप सिरका इस्तेमाल करें सैलेड में, ठीक है ना। नमक नमक लोग अक्सर नमक डालते हैं या खाने में मुख्तलिफ सब चीजें डालते हैं, आप उसकी जगह सिरका डाल दें खाने में। सिरका भी बहुत अच्छा है इस्लाम में, आप सबने कहा था कि जिस घर में सिरका खाया जाता है वो शख्स कभी बीमार नहीं होता, घर में कभी गरीबी नहीं आती, ठीक है ना। तो सिरके का इस्तेमाल करें। अच्छा अब मैं उसी उसके ऊपर चलती हूँ जो कि मैंने आपको अभी अपनी दिखाई थी, वो है ये, शेयर करती हूँ ये वाली, ये ठीक है, ये देखें। अच्छा सोडियम का तो मैंने आपको बता दिया, क्लोरीन जो है, ये क्लोराइड जो है वो किससे हासिल होता है, क्लोरीन से, ठीक है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक गैस होती है एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। रूम रूम की स्पेलिंग गलत हो गई मुझसे, ROOM होगा रूम, इसकी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। क्लोरीन इज गैस एट रूम टेम्परेचर, क्लोरीन जो है वो गैस होती है रूम टेम्परेचर, बड़ी पिंचिंग किस्म की येलो ग्रीनिश गैस होती है ये, जो कि रूम टेम्परेचर पे होती है। मेरा केमिस्ट्री में सेकंड प्राइज था जब मैं FSC की थी मैंने 1992 में, तो मैं जब मेरा बोर्ड का पेपर हुआ, जब मेरे प्रैक्टिकल्स हो रहे थे केमिस्ट्री के, तो हमने वो सोल्यूशन हमें बनाने को मिला, एक्सपेरिमेंट करना था, तो मैंने जो एक चीज बनाई, कोई मेरा ख्याल है कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया था, कोई सोल्यूशन बनाया दो चीजों को ऐड करके, और फिर मैं फौरन एग्जामिनर के पास में ले गई थी और मैंने कहा कि मिस ये ठीक है, तो उन्होंने बड़े मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा के देखना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक ही होगा। अब वो बोर्ड की एग्जामिनर थी और मैं उसके सामने खड़ी हुई, और इतनी उनके साथ टीचर्स बैठी हुई थी और सारी मुझे देख रही, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि जी तो मेरी केमिस्ट्री बड़ी अल्लाह का शुक्र अच्छी थी। तो ये क्लोरीन जो है वो एक केमिक गैस होती है बड़ी पिंचिंग किस्म की, जब हम जमाने में FSC में प्रैक्टिकल किया करते थे, तो जब क्लोरीन गैस से हम प्रैक्टिकल करके क्लोरीन गैस निकलती थी तो आंखों में जाती थी, हमारे सिस्टम में जाती थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बड़ी नुकसानदेह, ये येलोज ग्रीन सी ये गैस होती है निकलती है और एकदम बड़ी तबीयत खराब हो जाती है, गले में लगती है, नाक में जाती है, बड़ी पिंचिंग किस्म की, इरिटेटिंग किस्म की इसकी ना स्मेल होती है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आप इसको प्रेशराइज करें और अगर इसका टेम्परेचर आप बहुत कम कर दें इस गैस को, तो ये लिक्विड फॉर्म में चली जाती है, -34 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड फॉर्म में होती है और -91-95 डिग्री पर ये सॉलिड स्टेट में चली जाती है, इसका सॉलिड हो जाती है। तो क्लोराइड भी इस क्लोरीन से निकला है, जब सॉलिड हो जाता है तो वो क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज बताया क्लोराइड का, क्लोराइड इस तरह हम अपने खुराक से हासिल करते हैं जो कि नमक से हासिल होता है। क्लोराइड मुख्तलिफ फॉर्म में होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, फिर मिथाइल क्लोराइड भी होता है जिसके अंदर क्लोरीन होती है, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। तो ये वो थी प्रोसेस फूड जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप प्रोसेस फूड के अंदर सॉल्ट ज्यादा होता है, सॉल्ट की मिकदार आप प्रोसेस फूड इसलिए मत खाएं, और खाना खुद खान पकाएं, उसके अंदर पिंक सॉल्ट डालें, क्योंकि पिंक सॉल्ट का मैंने आपको बताया है कि ये 1 टेबल स्पून ऑफ पिंक सॉल्ट जो है ना, वो उसके अंदर सोडियम कम होती है, 1680 मिलीग्राम होती है, जबकि जो टेबल सॉल्ट होते हैं आम व्हाइट नमक होता है उसके अंदर सोडियम बहुत ज्यादा होता है, सोडियम हमारा ब्लड प्रेशर हाई करती है, ठीक है, पानी को जिस्म से निकलने नहीं देती और इससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। तो नमक कम से कम खाएं और पिंक सॉल्ट खाएं, और सिर्फ 1 टेबल स्पून सिर्फ 1 टेबल टीस्पून टेबल स्पून टीस्पून टेबल सॉल्ट जो है ना वो रिकमेंड किया जाता है फॉर एडल्ट के लिए इन अ डे,
लेकिन 1 टेबल स्पून भी मेरा ख्याल है कि अगर हम बिल्कुल भी खाने में आप इस्तेमाल ना करें तो तब जाके वो 1 टेबल स्पून जो है ना ज्यादा होता है। आजकल तो 1 टेबल स्पून अगर एक इंसान पूरे दिन में खा ले तो वो बहुत ज्यादा होगा। तो 1 टी स्पून, टेबल स्पून नहीं सॉरी, टी स्पून मतलब तो छोटा नमक होता है। तो हम सारे खाने अगर हम इकट्ठे करें, अपना नाश्ता, अपना दोपहर का खाना, अपना रात का खाना, इन सारी चीजों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, इनमें सॉल्ट की क्वांटिटी को हम चेक करें तो सॉल्ट की क्वांटिटी वो 1 टी स्पून ही निकलेगी। 1 टी स्पून का मतलब है कि उसके अंदर कितना सोडियम होगा, 2300 मिलीग्राम सोडियम होगा। ठीक है, तो 2300 मिलीग्राम सोडियम जो है वो जाहिर बात है सॉल्ट के अंदर जब हमें आम सॉल्ट में पहुंच जाएगा तो हमारे लिए वो थोड़ा बहुत मतलब नुकसानदेह नहीं है 1 टी स्पून पूरे दिन में। लेकिन अगर हम 1 टी स्पून से ज्यादा हम बहुत ज्यादा सॉल्ट खाएंगे, खानों में डालेंगे, नाश्ते में भी बहुत सॉल्टी खाना, दोपहर का खाना भी बहुत सॉल्टी, रात का खाना भी बहुत सॉल्टी, तो वो 1 टी स्पून से बढ़ के वो 1 टेबल स्पून चला जाएगा। वो इतना बड़ा चमचा होगा, ठीक है ना, वो इतना बड़ा बजाय वो टी स्पून होता है छोटा और टेबल स्पून जो है वो बड़ा होता है। तो टी स्पून के बजाय वो टेबल स्पून ना बना दें आप उसको, सॉल्ट को 1 टी स्पून ही रखें, बल्कि 1 टी स्पून को भी मत खाएं। सॉल्ट खाएं ना, जो वैसे ही खाने में बहुत सी चीजों में अल्लाह ने कुदरती तौर पे चीनी और सॉल्ट कुदरती तौर पे मौजूद है, आप सॉल्ट को अवॉइड करें। और इसके बाद ये तो हो गया। अच्छा, फिर ये तो था मेरा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस फूड मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो सेचुरेटेड फैट्स हैं, टाइप्स ऑफ फैट्स किस किस्म की हैं, इस ये जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर का कॉज है, जो कि मैंने ब्लड प्रेशर के कॉजेज मैंने आपको थ्री थ्री कॉजेज बताए थे। पहला कॉज था कि पहला कॉज कौन सा था, दूसरे नंबर पे तो स्मोकिंग था, पहले नंबर पे जो कॉज था वो था ये मैंने लिखा हुआ है, उसी पर ही हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। पहले नंबर पर था अल्कोहल कंजम्पशन था, जो कि ब्लड प्रेशर कॉज करता है, अल्कोहल कंजम्पशन था। दूसरे नंबर पर स्मोकिंग था, तीसरे नंबर पर था एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट। तो स्मोकिंग की वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर की कॉजेज है, हाई ब्लड प्रेशर की कॉज में हमने अल्कोहल को डिस्कस कर लिया था, अल्कोहल कंजम्पशन को, स्मोकिंग को हमने डिस्कस किया है, हमने एक्सेस सॉल्ट इनटेक को हमने डिस्कस किया है। और एक्सक्यूज मी, इसमें जो स्मोकिंग से जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और ब्लड प्रेशर की क्या कॉजेज हैं उसमें आप ये देखें कि मैं उसमें कॉज एक आ जाती है कि ये जो फैट है, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें ये चीजें क्रिएट हो जाती हैं, उनमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उनके अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर स्मोकिंग करने वालों को ये स्मोकिंग जो है वो, और स्मोकिंग करने से क्या होता है, हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, स्मोकिंग करने वालों को कोलेस्ट्रॉल हो, स्मोकिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्मोकिंग करने से जो चीजें हो जाती हैं वो क्या होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और हाई कोलेस्ट्रॉल। और हाई कोलेस्ट्रॉल पर मैंने थोड़ा सा लेक्चर दिया था कि हाई कोलेस्ट्रॉल किस तरह होता है, उसमें एक और इसको मैं मजीद हाई कोलेस्ट्रॉल को ही लेके चलेंगे। उसके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल में आ जाता है कि जो फैट्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करती हैं, ये जो फैट है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, फैट है क्या है, फैट का मतलब है चर्बी। इसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में किस किस किस्म की चर्बी होती है, किस किस्म की फैट्स होती हैं, ठीक है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी कौन कौन सी टाइप्स की चाहिए फैट्स होती हैं। इसमें सैचुरेटेड फैट्स आ जाता है, ट्रांस फैट्स है, अनसेचुरेटेड फैट्स हैं और मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स, तीन चार तरह की फैट्स होती हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड फैट्स, मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स। तो ये जो है वो हमारी हमारी बॉडी के लिए क्या नुकसानदेह है, इससे कोलेस्ट्रॉल किस तरह ज्यादा हो जाता है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बताएंगे, ताकि स्मोकिंग वाला जो हमारा पोर्शन है फैट
हाई ब्लड प्रेशर का जो कॉज है स्मोकिंग, वो हमारा खत्म हो जाए स्मोकिंग का, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे चौथे वाला जो कॉज है हमारा, वो ओबिसिटी है यानी कि मोटापा, वो हम इस पर इंशाल्लाह बहस करेंगे, उस पर हम लेक्चर डिस्कस करेंगे कि ओबिसिटी जो है वो हमारी हमारी सेहत के लिए कितने ज्यादा नुकसानदेह है, ओबिसिटी किस वजह से ओबिसिटी हो जाती है, और मोटापा जो है वो ब्लड प्रेशर को कैसे इंक्रीज करता है ओबिसिटी, उस पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि चौथा रीजन है ब्लड प्रेशर का। उसके बाद पांचवा रीजन है स्ट्रेस, उस पर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो टाइप्स ऑफ फैट्स पे होगा, तो जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और उसके बाद फिर मैं ओबिसिटी पे करूंगी, फिर स्ट्रेस पे करूंगी। अभी 15 कॉजेज मैंने आपको बताने हैं हाई ब्लड प्रेशर के, ठीक है। अभी सिर्फ 3 कंप्लीट हुए हैं, 3 भी अभी अभी कंप्लीट नहीं हुए, टाइप्स ऑफ फैट्स का बताने के बाद 3 कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम चौथे पे आएंगे ओबेसिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मेरा फैट्स पे हो गया, उससे नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह होगा वो ओबेसिटी पे होगा, जो कि चौथा पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद 5वां पॉइंट होगा स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर का। ये कॉजेस हैं जो कि 15 कॉजेस तक हमने, ब्लड प्रेशर के 15 कॉजेस हैं मेरे पास, उन पे हम आज सब पे हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, खुराक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपकी एक्टिविटी, अपने आप को एक्टिव रखें, आधा घंटा दिन में, आधा घंटा आप जरूर एक्सरसाइज करें, आधा घंटे की एक्सरसाइज पूरे दिन में बहुत जरूरी है। उसके अलावा वॉक वगैरह आप करें, लेकिन एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज आधे घंटे की बहुत जरूरी है, ठीक है। आज मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम टाइप्स ऑफ फैट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से फैट्स हैं, ताकि फिर हमारा स्मोकिंग वाला पोर्शन खत्म हो जाए, फिर हम चौथे वाला जो हमारा पॉइंट है इसका ओबेसिटी का, उस पर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद 5वें पे स्ट्रेस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।